कंप्यूटर इंजीनियर पुलिस कप्तान घुले सुशील चंद्रभान का नया प्लान। दंपत के दरकते रिश्तों को जोड़ रही सीतापुर पुलिस। पति पत्नी या पारिवारिक रूप से जो झगड़े होते उनको आपसी समझौते से बात करके सुलझाने का प्रयास किया जाता है। ये प्रयास रहता है कि कोई फैमिली बनने में काफ़ी साल लगते हैं, टूट बहुत छोटे से झगड़े से जाती है। अगर उनको बिठा करके बात करके अगर हम उनके परिवार को बचा सके, बच्चों का भविष्य देखते हुए अगर उनको एक दूसरे से मिला सके, तो इससे बड़ा कोई अच्छा कार्य नहीं हो सकता। 10,000 ई रिक्शों का जाल, जाम के झाम से निपटने का क्या है प्लान? ई रिक्शा काफ़ी हर जनपद में हो चुके हैं और सीतापुर में भी आप देखेंगे तो लगभग पूरे जनपद में 10,000 के आसपास ई रिक्शा है और शहरी एरिया में भी काफ़ी उसमें ई रिक्शा है और उनकी सुव्यवस्थित चीज़ें न होने के कारण कई बार चौराहों पे जाम की स्थिति तैयार होती है। एक तरफ हमें उनकी रोजी रोटी को भी हार्म नहीं करना है, उनके भी अपने एम्प्लॉयमेंट का साधन है उसको जारी रखना चाहिए। एसपी की पहल, प्रधानों के सहयोग से तीसरी आंख रखेगी गांव पर नजर। हम गांव-गांव में भी प्रधानों को इसमें प्रेरित करें कि वो उनके ग्राम पंचायत में जो पैसा आता है उसके माध्यम से एक 4 या 5 कैमरे का सिस्टम वो अपने ग्राम पंचायत में लगा ले। इतना अगर हर प्रधान उसके ग्राम पंचायत में कर लेगा तो मुझे लगता है उसके ग्राम में भी अगर कोई चोरी घटना है तो हम एक बार सभी प्रधानों से एक बार पुनः कनेक्ट होंगे गांव। सीतापुर में यातायात माह 1 महीने लगभग चला लेकिन जिम्मेदार अभी भी अनजान बने हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लखनऊ दिल्ली राजमार्ग से एक ट्रक निकल रहा है जो ओवरलोड ट्रक है जिसमें गन्ना लदा हुआ है, किस तरीके से हिचकोले खाते यह ट्रक जा रहा है और जिम्मेदारों की इधर कतई भी नज़र नहीं है। आपको बता दें कि जबकि रोड हादसे लगातार होते रहते हैं और जागरूकता कार्यक्रम भी एक तरफ चलाए जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये जो चालक हैं, ट्रक चालक कितना अमल करते हैं वो इस ट्रक से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। किस तरीके से ऊपर तक गन्ना भरा हुआ है और लहराते हुए ट्रक हाईवे है जो लखनऊ दिल्ली राजमार्ग, उस पे से ये ट्रक गुजर रहा है और किस तरीके से जोखिम भरा ये ट्रक जा रहा है। आपको बता दें कि जो गन्ना लदा हुआ है वो ऊपर तक भरा हुआ है, ओवरलोड काफ़ी है, इसीलिए जो ये हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। लगभग सीतापुर में अगर बात करें तो रोड हादसे तो रोज होते ही रहते हैं और जो गन्ने लदे की बात है तो ओवरलोड लदा गन्ना है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले नवंबर माह में पूरे माह तक यातायात का पालन कराया गया, जगह जगह स्टिकर बांटे गए, रेडियम चस्पा किए गए और ओवरलोड को लेकर कार्रवाइयाँ भी हुई लेकिन कार्रवाइयाँ कितनी हुई या इस ट्रक से अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्योंकि अगर प्रशासन इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देगा तो हादसे ऐसे ही होते रहेंगे। आई इंडिया से सिद्धांत पांडे के साथ विपिन राजन से सीतापुर। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया, वोटर बनेंगे आखिर किसके खेवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी, लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे, 6 नगरपालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला, चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महाकवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया, निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद, शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल, वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।